units and dimensions. Units and dimensions. लिखो. Units आपने सुने हुए हैं. Units आपको पता है. अगर मैं ये बोलता हूं कि कोई क्वांटिटी 2 सेकेंड, किसी क्वांटिटी के पीछे क्या लगा हुआ है 2 सेकेंड, इसका मतलब क्या समझते हो, वो क्वांटिटी क्या होगी? टाइम. अगर मैं बोलता हूं कि इस टाइल की क्वांटिटी 2 मीटर स्क्वायर है, तो मैंने क्या मेजर किया होगा? एरिया. अगर मान लो किसी बॉक्स की कोई क्वांटिटी 10 मीटर क्यूब, तो क्या मेजर किया? वॉल्यूम. तो यूनिट्स हमें ये बताते हैं हम किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं. पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक. डायमेंशंस क्या बताते हैं ये अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा, लेकिन ये चैप्टर जो स्टार्ट है वो एक डेफिनेशन से स्टार्ट है या एक टर्म से स्टार्ट है जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. तो लिखो फिजिकल क्वांटिटी. दुनिया में कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. जैसे आप इसमें मास को मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी. टाइम को मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी. आप डेंसिटी मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम कर सकते हो. आप जो भी क्वांटिटी बोलोगे और मेजर कर सकते हो इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक. क्या आप किसी भी ह्यूमन के इमोशंस को मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते. आपको चोट लगी, कितनी गहरी चोट लगी उसको मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते. वैल्यू, वैल्यू क्या यूनिट्स दोगे उसे? ठीक, गहरी चोट, बस इससे ऊपर कुछ नहीं. वैल्यू थोड़ी ना है कितनी गहरी. तो इमोशंस नहीं हो सकते, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है. तो फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जो मेजरेबल हैं किसी भी चीज से. ठीक हो गया यहाँ तक. अब फिजिकल क्वांटिटीज दुनिया में जितनी भी हैं जो मेजरेबल चीज़ें हैं वो 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है. एक फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज साथ साथ लिखते जाएं प्लीज. एंड सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो कि किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. और डराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई हैं, मतलब ये किसी और क्वांटिटी से बनाई जाती हैं. ठीक. अब फंडामेंटल क्वांटिटीज कुल मिलाकर इस दुनिया में सिर्फ 7 हैं, ओनली 7, बस 7 ही हैं, 8वीं भी नहीं है. और डराइव्ड क्वांटिटीज अगर मान लो 7,000, 7 लाख क्वांटिटीज बना रखी हैं दुनिया में, कोई भी क्वांटिटी वो इन 7 से ही बनी हुई है जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं बना के दिखाऊंगा आपको अभी. तो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं 7? तो लिखें सबसे पहले मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ल्यूमिनोसिटी या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक ही बात है. और लास्ट क्वांटिटी ऑफ मैटर, ल्यूमिनोसिटी या ल्यूमिनस इंटेंसिटी और लास्ट क्वांटिटी ऑफ मैटर. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस ये 7 है. ल्यूमिनस क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल्स. आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट, मोल्स. तो मोल्स में कैलकुलेशन करते हैं, राइट. तो सबसे पहले अगर हम मास की बात करें तो सबको पता है मास किस में मेजर किया जाता है, इन केजी. लेंथ किस में?
मीटर या सेंटीमीटर किसी में भी, टाइम किस में मान लो सेकेंड में, इलेक्ट्रिक करंट किस में एम्पियर में, और टेम्परेचर केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है लाइट को मेजर करने का तरीका, हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे प्लस टू में। तो लाइट को मेजर, लाइट क्या है, इट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी की मेजरमेंट ल्यूमिनोसिटी या ल्यूमिनस इंटेंसिटी से की जाती है। वो कैसे की जाती है बाद की बात है, तो इसको मेजर किया जाता है बाय सिंबल सी डी। सी डी का मतलब होता है कैंडला, कैंडला, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन कैंडला, और लास्ट कैंडला सी डी लिखते हैं इसे, सी डी। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल्स, ये जो दो क्वांटिटीज है ना आखिरी दो, ये यूज होती दिखेंगे नहीं आपको फिजिक्स में, ये हैं एग्जिस्ट करती हैं, पर हमारे इस कोर्स के अंदर आपको ये दो चीजें बहुत ही रेयर, मैंने कैंडला तो आज तक देखा ही नहीं यूज होता हुआ, ठीक, और ना ही मैंने मोल्स को देखा है, पर ये पांच जो क्वांटिटीज हैं इनको तो आप रेगुलर देखोगे, ठीक। अब ये सात क्वांटिटीज हैं, क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब एक क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट ने पूछा, कह रहे जी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये कैसे फंडामेंटल है? मैंने कहा वो क्यों, वो कहते हैं करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज को फंडामेंटल होना था क्योंकि चार्ज तो किसे बना नहीं, तो करंट जो है उसका तो फॉर्मूला है बनाने का, मास बनाने का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, मास तो मास ही है, टाइम तो टाइम ही है, टेम्परेचर तो टेम्परेचर ही है, करंट ठीक नहीं फिट हो रहा, पॉइंट है। लेकिन जिसने ये बनाया उसने बोला अगर करंट फंडामेंटल है तो फिर करंट फंडामेंटल है, क्योंकि देखो जो पहल करेगा उसको बेनिफिट तो मिलेगा, उसकी सुननी तो पड़ेगी, तो उसने बोला करंट है तो करंट है, बात खत्म हो गई, ठीक। तो सारी दुनिया में ये सात, कोई किताब उठा लो, अमेरिका जाके किताब उठा लोगे तो भी साथ ही मिलेंगी, यही बात ही खत्म हो गई, ठीक। दूसरी चीज, डायमेंशन क्या चीज है? डायमेंशन का मतलब एक सिंबल, शॉर्टकट सिंबल रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे मास को अगर मैं मास ना लिखूं और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में इसके सिंबल को लिखूं एम, तो हम इसको सिंबल नहीं बोलेंगे, हम इसको इसका डायमेंशन बोलेंगे। तो मास का डायमेंशन क्या है? एम। नेक्स्ट लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या है? एल। टाइम का डायमेंशन क्या है? टी। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? ए। टेम्परेचर का क्या है? के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आई, और क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल ही है। तो ये सात डायमेंशंस को प्लीज नोट करें। ठीक है यहां तक। अब एक और क्वेश्चन पूछा किसी ने अभी, वो कहता है जी बाकी सब तो ठीक है, लेंथ एल, टाइम टी, मुझे फिर इलेक्ट्रिक करंट पसंद नहीं आया। वो कहता इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर क्यों है जी? इलेक्ट्रिक करंट का तो आई होना चाहिए था, क्योंकि करंट आई होता है। इंटेंसिटी का यहां पे कैंडला मत यूज करो, या इसमें आई ना यूज करो, सॉरी आप इसमें एल यूज कर लो, पर करंट को तो कम से कम आप आई लिखो। मैंने नहीं लिखे। अब क्या प्रॉब्लम है कि एम्पियर कौन था? साइंटिस्ट था, तो नाम इज्जत तो देनी पड़ेगी ना भाई उसको, तो ए करंट नहीं एम्पियर। जैसे न्यूटन को रोज देते हो, फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन। न्यूटन कोई यूनिट किसने बनाया? न्यूटन तो बनाया फोर्स, फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट न्यूटन का है। तो जब तक फिजिक्स चलेगी न्यूटन को तो याद रखा ही जाएगा, ऐसी चीज बन गई। जैसे आपने सुना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज, ये सुना होगा आपने, वर्क डन बाय चार्ज। अब एक बात बताओ, वर्क डन के यूनिट्स क्या होते हैं? जूल। जूल कौन था? साइंटिस्ट। चार्ज यूनिट्स क्या है? कूलम। कूलम कौन था? साइंटिस्ट। तो देखो अपने यूनिट्स लगा दिए अपने नाम के, जूल एंड कूलम। अब एक और साइंटिस्ट था जिसने जूल और कूलम के रिजल्ट को पढ़ा, और इन दोनों के रिजल्ट से उन्होंने क्या बोला इसके यूनिट? वोल्ट। वोल्ट भी कौन था? साइंटिस्ट। वो कहते हैं जी इसको क्रेडिट को मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने निकाला तो मेरे को मिलेगा, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम।
अब कुछ चीजें स्टैंडर्ड बनी हुई हैं, आपको एज इट इज एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। आपको जी वोल्ट ने ऐसा ही रखा, वोल्ट ने एक्स क्यों रखा, नहीं रखा, नहीं रखा, वी रखा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस तरीके से कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, वो स्टैंडर्ड ऐसा ही रहेगा। तो पॉइंट समझ में आ गया यहां तक? तो अब दूसरी चीज, यहां पर ये जो मैंने लिखा, ये डायमेंशंस हैं इसके, ये सब डायमेंशंस हैं इसके, ठीक। अब सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं डराइव्ड क्वांटिटी का। डराइव्ड क्वांटिटी का पहला एग्जांपल है वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अब लेंथ इज फंडामेंटल, टाइम इज फंडामेंटल, तो वेलोसिटी इज डराइव्ड, क्योंकि वेलोसिटी डराइव की जा रही है कहां से, दो फंडामेंटल से। क्लियर है यहां तक? तो जैसे कि अगर मान लो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी तो पहले ही डराइव्ड है, तो एक्सेलरेशन भी डराइव्ड है। ये भी क्लियर है? जैसे फोर्स, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो पहले डराइव्ड है, तो फोर्स भी डराइव्ड है। जैसे कि वर्क डन, वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो पहले डराइव्ड है, तो वर्क डन भी डराइव्ड है। आप जितनी क्वांटिटी बोलते जाओगे, इन सातों से ही तैयार आके आके होती जाएंगी। और आज हमने यही करना है, हमने डराइव्ड क्वांटिटीज को बना बना के देखना है कि अल्टीमेटली आपका फाइनल रिजल्ट जो होगा वो इसी फॉर्म में बाहर आएगा। ठीक है यहां तक? तो आगे चलने से पहले एक चीज बता देता हूं कि जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अभी हमने डिस्कशन की, जो लेंथ है उसका डायमेंशन क्या होता है, एल। टाइम का डायमेंशन क्या है, टी। एल और टी, टी न्यूमिनेटर में जाएगा, एल टी रेज टू पावर माइनस वन। ठीक है, पावर माइनस वन हो गई। तो ये वेलोसिटी का क्या है, डायमेंशन। लेकिन क्योंकि दो डायमेंशंस को यूज करके ये वैल्यू आई, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके ये वैल्यू आई, इसलिए इसको बोला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सात फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन को डायमेंशन या उनके सिंबल्स को डायमेंशन बोला जाता है, और डराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस को क्या बोला जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूलास। तो आज हम क्या करेंगे, अलग अलग क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलास बना के देखेंगे। क्यों बना के देखेंगे, उसका भी आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर में आपको बताऊंगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, आपको अपनी कॉपी को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल, तो जिसमें आप पहला कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां लिखेंगे क्वांटिटी, नेक्स्ट यहां पे लिखेंगे फॉर्मूला, एंड लास्ट में लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिट्स एंड डायमेंशन को दूसरा नाम भी दिया गया है, डायमेंशनल एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस की तरह डायमेंशनल एनालिसिस ही बोला जाता है इसे। तो ये यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है। एक और क्वेश्चन पूछा किसी ने, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों राउंड नहीं यूज कर सकते, मेरी तरफ से खुला छोड़ दो यार, क्या प्रॉब्लम है। पर कल को अगर कहीं अमेरिका पढ़ने चले गए और उन्हें डायमेंशन फॉर्मूला करा दिया, वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, क्योंकि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो इंटरनेशनल, अब एक जगह फॉर्मेट है वो इस सेम फॉर्मेट में चलेगा। फिर वहाँ आपको ऑकवर्ड फील होगा कि यार हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे यार, अंग्रेज लोग तो ब्रैकेट लगाई जा रहे हैं, तो फिर ब्रैकेट लगाना सीख लेते हैं। ठीक, क्यों रीजन नहीं है, बस उसने सिंबल बनाया तो बनाया। ठीक है, तो आपको हर किताब में स्क्वायर ब्रैकेट ही दिखेगा। तो पहली क्वांटिटी लिखते हैं, फर्स्ट क्वांटिटी इज एरिया। एरिया का जो मर्जी फॉर्मूला ले लो, जैसे एल इंटू बी ले लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। जो लेंथ है वो मीटर में है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल। जो ब्रेथ है मीटर में है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, एल। तो क्या बना, एल का स्क्वायर।
तो डायमेंशन फॉर्मूला एरिया का क्या बनेगा, एल का स्क्वायर। जो जो मीटर में है वो उसका डायमेंशन एल और एल ही रहेगा, ठीक है यहां तक। दूसरा फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला, वॉल्यूम, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच ले लेते हैं, तो अगेन एल इंटू एल इंटू एल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, एल का क्यूब वॉल्यूम। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है थर्ड, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो लेंथ का एल, टाइम का टी, तो क्या बन गया एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। हाँ हाँ डिस्टेंस ले ले तो भी मीटर का लेंथ ही होगा, क्या फर्क पड़ता है, जो चीज मीटर में है वो एल है डायमेंशन उसका, तुम उसको डिस्टेंस बोलो, लेंथ बोलो, ब्रेथ बोलो, रेडियस बोलो, जो मर्जी, जिसके पीछे मीटर लग गया उसका डायमेंशनल डायमेंशन एल ही रहेगा, बस बात खत्म। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट फोर्थ, सपोज जो नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकाला, एल टी माइनस वन, टाइम का क्या है टी, सॉल्व करें तो क्या आएगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। ठीक, नेक्स्ट है फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है या डायमेंशन क्या है एम, और एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, मल्टीप्लाई करो एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अब कई लोग कहेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, उसका आंसर एंड में दूंगा, पर क्या पूछे जाते हैं, हाँ पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछ लेगा व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स, तो उसमें चार ऑप्शन देगा आप मार्क करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मल्टीपल चॉइस में आने लग गया पेपर तो उसमें ऑप्शन दे सकता है वो। अब कैसे याद करें डायमेंशन फॉर्मूला, ऐसे याद करें फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला इज एम एल टी माइनस टू, मतलब अगर मैं आपसे अगली बार पूछूंगा व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स तो क्या करें, इसको याद करें और वेलोसिटी का एलटी माइनस ऐसे याद करें, नहीं आप ये फॉर्मूला याद करें, क्योंकि ऐसे तो 50 क्या 100 फॉर्मूला मिल जाएंगे आपको, और हर के अंदर एमएलटी की पावर ही चेंज करनी है और कुछ करना नहीं है, आप इन्हें याद नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप मुझसे पूछें कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, मैं बोलूंगा एमएलटी माइनस टू, आप मुझसे पूछें एक्सेलरेशन का क्या एलटी माइनस टू, आप पूछें एनर्जी का क्या एमएल टू टी माइनस टू, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एम एल माइनस वन टी माइनस वन, आप मुझसे पूछें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या, मैं बोलूंगा एम की वैल्यू माइनस वन, एल की पावर माइनस थ्री, टी की पावर माइनस टू। आपके हिसाब को सारे याद हैं? नहीं, कुछ मेरे को याद हैं जिनको मैंने 100-200 बार यूज किया है, जैसे कि फोर्स, आप भी 100-200 बार यूज कर लेंगे तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एम एल टी माइनस टू स्टैंडर्ड है। एनर्जी भी 100-100 बार यूज होती है, एम एल टू टी माइनस टू। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पिछले बैच में अभी मैंने यूज किया था इसलिए याद रह गया, वैसे मेरे को याद नहीं। ठीक, ऐसे जितने फॉर्मूलाज हैं उनमें से बस 8-10 ही मुझे आते हैं, वो भी मैंने याद नहीं किए, मेरी प्रैक्टिस से मुझे याद हो गए। ऐसे जितने क्वेश्चन आप करेंगे उसकी प्रैक्टिस से कुछ चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, लेकिन सारी नहीं होंगी, तो इसलिए आप फॉर्मूला ज़रूर याद करेंगे। एटलीस्ट अगर फंस गए तो कम से कम रफ में फटाफट डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आप प्लीज उसे ना याद करें, इसे ही याद करें। तो उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज
वर्क डन या वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में होती है तो एल, मल्टीप्लाई करें एम एल टू टी माइनस टू. मैंने बोला था बहुत यूज होता है ये एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू. नेक्स्ट है, बोलो फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन या एनर्जी बाय टाइम, जो मर्जी बोल लो. वर्क डन भी जूल में होता है, एनर्जी भी जूल में होती है, दोनों का मतलब पावर है. तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टाइम का क्या है, टी. तो क्या बना, एम एल टू टी माइनस थ्री. ठीक, यहां तक तो ये टर्म आ गई. नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी. फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच. तो बताएं मास का डायमेंशन एम, स्मॉल जी क्या क्या चीज है, स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटी क्या, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी नहीं है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8. इसके यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चाहे एक्सेलेरेशन ग्रेविटी की वजह से हो, चाहे एक्सेलेरेशन मेरी बाइक की वजह से हो, मेरी कार की वजह से हो, जुपिटर की वजह से हो, जिसकी मर्जी, अगर उसके यूनिट एक्सेलेरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो एक्सेलेरेशन ही है. तो एक्सेलेरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, चेक करो, एल टी माइनस टू. तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी क्या रहेगा, एल टी माइनस टू, सेम है. और इनटू हाइट, हाइट का मतलब एल, तो मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, एम एल टू टी माइनस टू. अगर आप नोट करें वर्क डन का भी क्या था ऊपर, एम एल टू टी माइनस टू, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का भी क्या है, एम एल टू टी माइनस टू. और अगर मैं एक और क्वांटिटी लिखूं यहां पर, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर. तो ये रही आपकी काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूला इज व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, तो अगर हाफ एम वी स्क्वायर है इसका फॉर्मूला, तो ये बताओ कि हाफ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, हाफ के यूनिट्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं, डायमेंशनलेस है. तो यूनिट भी नहीं है, और जिसका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन भी नहीं. तो फिर डायमेंशन होगा क्या हाफ का, अगर लिखना हो तो खाली इस ब्रैकेट में क्या लिखूं, हाफ का डायमेंशन जीरो, कुछ है नहीं, या खाली ब्रैकेट छोड़ दूं, हवा खाली, कुछ है ही नहीं, क्या लिखूं, कुछ भी नहीं, ऐसे छोड़ दें, मतलब फिर ब्रैकेट भी ना डाल लूं. मतलब वो कह रहे हैं कि ये भी रहने दो, बस छोड़ दो खाली स्पेस. ठीक है, कह सकते हो, लेकिन अगर डालना है, चलो मेरी जिद डालना है मुझे, तो डालना है. अब बोलो खाली स्पेस तो ब्रैकेट अलाउड नहीं करेगा, बोलो क्या, वन, ओनली वन, ओनली वन. एम की पावर बोलो हाफ में क्या होगी, होगी नहीं. एल की पावर नहीं होगी, टी की पावर नहीं होगी. तो एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, तो आप इसमें वन लिखेंगे. जो टर्म डायमेंशनलेस है उसको या तो ऐसे लिखेंगे या वन लिखेंगे, सिंपल. क्लियर है, तो जिनके डायमेंशन नहीं होते वो वन होता है, कुछ भी नहीं है एक्चुअल में. ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें. नेक्स्ट है डायमेंशन फॉर्मूला पे बोलो, हाफ का तो लेना ही नहीं, लिखना है वन लिख लो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा. नेक्स्ट है मास, मास का क्या है, एम. नेक्स्ट है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, एल टी माइनस वन. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एम एल टू टी माइनस टू. ठीक है, यहां तक
एल टू टी माइनस टू, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो एल की पावर टू आएगी, टी की पावर भी टू आएगी, तो माइनस टू हो जाएगा। अब नोट करने वाली बात क्या है, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला चेक करो एम एल टू टी माइनस टू, पोटेंशियल एनर्जी का चेक करो एम एल टू टी माइनस टू, काइनेटिक एनर्जी का चेक करो एम एल टू टी माइनस टू। तो आज के बाद जिनके यूनिट्स जूल हैं उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम है, आपको अलग अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो आज के बाद पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, हीट एनर्जी पूछ ले, वर्क डन पूछ ले, या कोई एक्स वाई जेड एनर्जी पूछ ले, प्रेशर एनर्जी पूछ ले, एनर्जी है ना तो एम एल टू टी माइनस टू, किस फॉर्मूले से ड्राइव की उसे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी कर लेना। ठीक हो गया यहां तक, तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में होगी तो एम एल टू टी माइनस टू। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज नंबरिंग क्या थी, 10। एंगल, एंगल, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको एंगल का फॉर्मूला डी रखो, मेजर कर लो, एंगल हो गया। तो अगर ऐसा ही करना था तो फंडामेंटल में एंटर करवा दो ना, जब सीधा ही मेजरमेंट करनी है तो फंडामेंटल क्यों नहीं है। देखो आपने सुना होगा अगर एक सर्कल है और इसका सेक्टर है ये, और ये एंगल क्या है थीटा, तो ये यहां से लेके यहां तक के टर्म को क्या बोलते हैं, आर्क, और ये क्या है रेडियस। तो आपने सुना है फॉर्मूला, एंगल इज आर्क बाय रेडियस, नहीं सुना मैथ्स में, चलो सुन लो फिर, अभी ये मैथ्स के टीचर करवा देंगे, मेडिकल को मैंने करवा दिया, एंगल इज आर्क बाय रेडियस कर सकते हो। तो आर्क किस में मेजर की जाती है, आर्क सेंटीमीटर या मीटर में, आर्क का मतलब लंबाई ये वाली आर्क, और रेडियस किस में मेजर किया जाता है, एल। कैंसल, आंसर वन, एंगल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, याद रखना एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट इज एंगल के बाद टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड का तो पता ही है, टाइम का तो फंडामेंटल ही है रादर, तो यहां तो सीधा क्या जाएगा टी, करना ही नहीं कुछ, इसका फॉर्मूला ही नहीं है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टाइम पीरियड, वन अपॉन टाइम पीरियड, तो क्या आएगा वन अपॉन टी, यानी कि टी रेज टू पावर माइनस वन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वैसे बता दूं फ्रीक्वेंसी का सिंबल ये बनाया जाता है बुक्स में, ये इसको क्या बोलते हैं ये मालूम, न्यू, न ई यू, न्यू न, क्योंकि एक और सिंबल है इसको क्या बोलते हैं म्यू, न्यू म्यू, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं ईटा, ईटा, इसको क्या बोलते हैं रो, रो, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। तो सिंबल्स यूज होते दिखेंगे आपको ऐसे, ठीक है, कॉमन सिंबल्स हैं ये। तो म्यू बहुत यूज होगा, न्यू फ्रीक्वेंसी बहुत यूज होती है, एफ भी लिखते हैं कई लोग, एफ भी लिखते हैं, न्यू भी लिखते हैं, न्यू ज्यादा लिखते हैं, तो ये स्टैंडर्ड बस ऐसा है, पर ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी को यही न्यू से रिप्रेजेंट करना है, तो आप एंगुलर वेलोसिटी को भी न्यू से रिप्रेजेंट कर लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि कॉपीराइट तो है नहीं, ने बताया था आपको, आप अपना नाम न्यू रख लो, क्या फर्क पड़ता है, तो कोई फर्क नहीं है उसमें, सिंबल का नाम है ये इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है ऐसा नहीं है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय न्यू, बात अलग है। ठीक, तो नेक्स्ट जो है
एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंबल, अगेन एक सिंबल है जिसका नाम है ओमेगा। ओमेगा गोल है थोड़ा, ओमेगा, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा। क्लियर है यहां तक? तो ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? देखो इससे पहले एक और फॉर्मूला लिखना पड़ेगा साथ ही, 14th लिख लो। अच्छा एंगल तो मैंने बता दिया आपको, एंगल तो बता दिया ना, हाँ ठीक है, एंगल के साथ ही लिख लो जहां मैंने एंगल बताया था ना ऊपर, एंगल। आप ऐसा भी लिख सकते हो इसके साथ, एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है थीटा। देखो होता क्या है, हम ना दो किस्म की मोशंस पढ़ेंगे फिजिक्स में, जब स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट नहीं हुई, महीना लगेगा अभी और बेस फाउंडेशन तैयार करने में। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले लीनियर मोशन स्टार्ट होता है, आपकी गाड़ी हमेशा स्ट्रेट ही जाती दिखेगी। फिर उसके बाद 2D स्टार्ट होता है, आपकी बॉडी 2D में मूव होती हुई दिखेगी। फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन स्टार्ट होता है, आपकी बॉडी गोल गोल घूमेगी। जब बॉडी सीधी जाती है, जब बॉडी सीधी जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट को क्या लेते हैं, एक्स इन टाइम टी। तो वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इस वेलोसिटी का नाम पता है क्या है, वेलोसिटी नहीं, लीनियर वेलोसिटी। अगर आप आगे बुक्स पढ़ेंगे वो अकेली वेलोसिटी कभी लिखेगा नहीं, वो लिखेगा लीनियर वेलोसिटी। लीनियर का मतलब बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया यहां तक। लेकिन जब कोई बॉडी गोल घूमती है सर्कल में, तो उस केस में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स नहीं होती, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, नहीं वो घूम के नहीं आई, अभी ए से बी पे गई है, ए से बी पे गई है, ये क्या है आर्क, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है आर्क। डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, गोल तो वैसे डिस्प्लेसमेंट होती नहीं है, ऐसी डिस्प्लेसमेंट देखिए कभी, स्ट्रेट होती है डिस्प्लेसमेंट हमेशा, ये तो पता है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो आर्क तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो बात पक्की है। आपको अगर चलो ना लो डिस्टेंस ही बोल दो, डिस्प्लेसमेंट ना से डिस्टेंस बोल दो, तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं। जब आप सर्कल में घूमते हैं तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये एंगल होती है, आप ये मेजर करते हैं कि आप कितने एंगल शिफ्ट हो गए, तो आप सेंटर के एंगल मेजर करते हैं। अगर ये एंगल 2π आ जाए, 360 डिग्री, मतलब आप जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं के वहीं पर आ चुके हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो यहां से स्टार्ट होके आप यहां पे हैं, और अगर ये 180 है तो यहां से स्टार्ट होके आप यहां पे हैं। तो सर्कुलर मोशन के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट्स को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि क्या होता है, थीटा। जहां वर्ड एंगुलर आ जाए मतलब बॉडी इज रोटेटिंग, वो सर्कुलर मोशन में है। और जैसी अगर मान लो ये यहां से यहां टी टाइम में आता है, तो वेलोसिटी क्या होगी, थीटा डिवाइडेड बाय टी, जैसे इसमें एक्स बाय टी वैसे इसमें थीटा बाय टी। क्लियर है यहां तक? और इस वेलोसिटी का नाम क्या रखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या आएगी, एंगुलर वेलोसिटी। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक? तो अगर मैं वापस यहां पर चलूं, तो मेरा जो फॉर्मूला था अभी, तो मैंने नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिखवाया, एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या बनेगा फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। बताओ थीटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता ही नहीं है, डायमेंशन लेस है। और टाइम का क्या होता है, टी। तो क्या आंसर आएगा, टी रेज टू पावर माइनस 1। कोई डाउट इसमें, टी की पावर माइनस 1। ठीक है यहां तक? तो फ्रीक्वेंसी का और ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, चेंज नहीं है, चेक करो, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है एंगुलर, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल जो होता है वो होता है अल्फा। लीनियर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है, ए। लीनियर हम करते हैं एक्सेलरेशन, लीनियर स्ट्रेट लाइन, ए, छोटा ए। और एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, मतलब जो काम एक्स करता है रोटेशनल मोशन में वो काम थीटा करता है, जो काम इसमें वी करता है वो काम एंगुलर में ओमेगा करता है, जो काम इसमें लीनियर में ए करता है एंगुलर में वो काम अल्फा करता है।
तो बताओ ए का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन लीनियर वेलोसिटी बाय टाइम। उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। वी की जगह ओमेगा कर देने और तो कुछ करना ही नहीं है, तो वी की जगह ओमेगा हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, इसीलिए फाउंडेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये महीने में हम लीनियर मोशन स्टडी करने वाले हैं, और जब हम सर्कुलर पढ़ेंगे दो या तीन महीने के बाद, अब मानोगे नहीं सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस रिप्लेसमेंट है। ऐसा चलने की बजाय अब हम गोल घूमेंगे, तो जो काम हम हमारा वी करता था वो काम ओमेगा करना शुरू कर देगा, ए करता है अल्फा कर देगा। तो जितनी प्रैक्टिस आप कैलकुलस में इसमें कर रहे हो वी और ए में, उतना ही आसान आपके लिए सर्कुलर हो जाएगा बाद में। ठीक, तो इसलिए हम आराम से काम करेंगे और प्रैक्टिस खूब करनी है, जो होमवर्क है वो एकदम सही करते रहना है और डाउट पूछते रहने हैं। नहीं हो रही शीट, 12:30 बजे आ जाना है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है? तो बोलो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला, ओमेगा का क्या है, टी की पावर -1, टाइम का क्या है टी, तो क्या बना टी की पावर -2। ठीक, कोई डाउट इसमें? हाँ होगा, बिल्कुल कॉपी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, फोर्स की जगह एंगुलर फोर्स। वैसे एंगुलर फोर्स का दूसरा नाम पता है क्या है? टॉर्क। टॉर्क को बोलते हैं एंगुलर फोर्स। टॉर्क चाहिए बॉडी को घुमाने के लिए और फोर्स चाहिए उसको लीनियर मोशन देने के लिए, तो एंगुलर फोर्स में एंगल प्रोड्यूस कर रहे हैं, टॉर्क बोलते हैं उसे। ठीक है यहाँ तक? तो ऐसे ही सारी टर्म्स आएंगी, एंगुलर एंगुलर लगा के उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट इज प्रेशर। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो एम एल टी -2, एरिया का एल स्क्वायर, तो एम एल -1 टी -2। ठीक है यहां तक? क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस फॉर्मूला, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, डायमेंशन फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला भी सेम। आपको यार अगर सेम सेम है तो फिर दो नाम क्यों? जरूरत के हर जगह स्ट्रेस स्ट्रेस बोलो ना, या हर जगह प्रेशर प्रेशर बोलो। प्रेशर नॉर्मली जो वर्ड है वो एयर और लिक्विड में ज्यादा यूज होता है, एयर का प्रेशर, एयर का स्ट्रेस नहीं। सुना कभी एयर का स्ट्रेस बहुत हो गया? नहीं नहीं, एयर का प्रेशर हो गया, पानी का प्रेशर हो गया, पानी का स्ट्रेस नहीं हुआ। बिल्डिंग ने इस पिलर्स के ऊपर या तो बोलेंगे प्रेशर लगाया, ज्यादातर स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस लगाया। ठीक, सॉलिड्स के लिए ज्यादातर स्ट्रेस यूज करते हैं, लिक्विड में तो 100% प्रेशर ही यूज करते हैं, उसमें स्ट्रेस यूज नहीं करते। इसलिए दोनों में फर्क है, दोनों के एप्लीकेशन में फर्क है, कोई कहीं जगह यूज होता है कोई कहीं जगह यूज होता है, पर फॉर्मूला रिमेन्स सेम। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट फॉर्मूला, अच्छा ही है ना, फॉर्मूला सेम है, याद नहीं करना पड़ेगा, एक याद कर लो बात खत्म। नेक्स्ट फॉर्मूला स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन क्या है बताता हूं। देखो, सपोज करो आपके पास एक वायर है जो मैंने यहां छत से टांग दी, ये रही, ठीक है,
इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है, आपने फोर्स लगा के, इलास्टिक वायर है, आपने खींच दिया इसे, जब आपने इसे खींच दिया तो ये लंबी हो गई, मान लो 12 मीटर हो गई। तो ये बताओ कि इसमें क्या चीज चेंज हो रही है, एरिया नहीं, लेंथ। तो डायमेंशन क्या है यहां पर, लेंथ का डायमेंशन है। तो यहां पर बताओ चेंज इन डायमेंशन कितनी है, 2 मीटर। डायमेंशन मीन यहां पर लेंथ बोल दो, चेंज इन लेंथ क्या है, 2 मीटर। ओरिजिनल लेंथ क्या है, 10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो जिसके यूनिट ही नहीं है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, 1, डायमेंशनलेस है। जैसे सपोज करो आपके पास एक बॉल है, आपने हर तरफ से फोर्स लगा के इस बॉल को कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया। पहले वॉल्यूम इसका 10 मीटर क्यूब था, अब इसका वॉल्यूम जो है वो 8 मीटर क्यूब हो गया। तो चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन क्या है इसमें, वॉल्यूम। तो इसमें कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, 2 मीटर क्यूब। ओरिजिनल कितने हैं, 10, यूनिट फिर कैंसिल। तो याद रखना स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता ही नहीं, खत्म कहानी। चाहे वो लेंथ में हो, वॉल्यूम में हो, ब्रेथ में हो, हाइट में हो, प्रेशर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। 1, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर दूसरा नाम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट मॉडुलस एक ही बात है, या फिर यंग्स मॉडुलस, या फिर बल्क मॉडुलस। आपको कहिए क्या इतने एक एक बंदे के इतने इतने नाम होंगे तो कैसे दुनिया चलेगी यार, यहाँ तो अपने दोस्तों के नाम नहीं याद हो रहे, दो दो नाम है बंदे के। और ये देखो मैं बताता हूँ क्या चक्कर है इसका, याद हो जाएगा अभी। जो कॉमन नेम है इसका जो पेपर में आता है वो है कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या सिर्फ इलास्टिसिटी, या सिर्फ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो नॉर्मली तो वर्ड इलास्टिसिटी यूज करते हैं। इलास्टिसिटी में जैसे रबर बैंड इलास्टिक है, कोई जो आपकी इसकी जो रस्सी है लिफ्ट की, ये भी इलास्टिक है, स्टील की बनी होती है, स्टील इलास्टिक होता है, ये इलास्टिक है। जो बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं जैसे S+4 ये स्टिल्ट के साथ बन रही हैं, इनमें क्या डलता है, स्टील, बहुत ज़्यादा स्टील। स्टील क्यों, इलास्टिक है। कल को अर्थक्वेक आए, कुछ आए बिल्डिंग्स के अंदर, वो इलास्टिक है, वो मुड़ सकता है बिल्डिंग, सरिया टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, कंप्रेस हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, टूटेगा नहीं, इलास्टिक है। तभी स्टील सबसे ज़्यादा यूज होता है। और आपको हैरानगी होगी सुन के, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। मैथमेटिकली प्रूव करेंगे इसे, कि क्वेश्चन आता है पेपर में, विच इज मोर इलास्टिक, स्टील की रबर, जो बिना पढ़े जाते हैं वो क्या लिखते हैं, रबर, और जो पढ़ के जाते हैं वो क्या लिखते हैं, स्टील। तो फिर ऑब्वियसली यार क्वेश्चन डाल रहा है तो स्टील ही होगा, रबर क्यों होगा, पर ऐसा कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात है। तो इसको हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो इसके अंदर इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लिखें, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, ऊपर बताना, M-1L, अच्छा ML-1T-2 डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का है ही नहीं, तो बढ़िया हो गया ना, स्ट्रेस का, प्रेशर का, इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। तो मैं बात कर रहा था कि इलास्टिक मटेरियल की, तो सॉलिड इलास्टिक मटेरियल है। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है यंग, यंग ने इसके ऊपर काम किया था और इसने अपने नाम का मॉडुलस कोफिशिएंट दिया था यंग्स मॉडुलस,
कई बार आपने वो उसमें उसमें एरर्स में पढ़ा भी था, यंग मॉडुलस वाई इज इक्वल टू दिस, ये वो एक्सप्रेशन दिया था उसने, ठीक। तो एक्सप्रेशन क्या दिया, इलास्टिसिटी का ही दिया, इलास्टिसिटी में अपना नाम जोड़ दिया यंग्स मॉडुलस, कि इलास्टिसिटी नहीं बोलना, यंग्स बोलना है। और एक और साइंटिस्ट जिसका नाम क्या है, गलत, बल्क साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बल्क मैटर होता है, जैसे पानी का बल्क, बल्क मैटर। तो बल्क मॉडुलस में लिक्विड और गैस की इलास्टिसिटी को मेजर किया जाता है, जरूरी नहीं कि हल्क है तो बल्क भी होगा, ठीक। तो इस केस में जो भी है इन सभी का नाम एग्जैक्टली सेम है, ये सॉलिड पे काम करता है और ये लिक्विड या गैसेस में काम करता है, इसलिए इसके इतने नाम है। एक्चुअल तो इलास्टिसिटी है, पर दो बंदों ने काम किया होगा, सॉलिड पे अलग और लिक्विड पे अलग, इसलिए, लेकिन बेसिक फॉर्मूला सेम है। तो उसमें तो आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं है, फॉर्मूला तो जब सेम ही है, बात ही खत्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है किसी लिक्विड की, कि लिक्विड अगर रेस्ट पे है, कोई भी लिक्विड अगर पानी में अगर रेस्ट पे है, तो वो अपनी सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो उसके मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं और वो उसका जो टॉप का सरफेस है वो एक स्किन हल्का सा मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। आपने कहा हमने तो नहीं देखा, तो आपने तो बहुत कुछ नहीं देखा, लेकिन आप देखेंगे, अब जब फिजिक्स पढ़ेंगे आप रोज की रूटीन में इतना कुछ देख लेंगे अब, क्योंकि सारे चैप्टर डेली रूटीन पे ही हैं। तो ऐसी फिजिक्स नहीं है ये यूनिट्स में, ये तो दो चार दिन का ही काम है, जब एक्चुअल में स्टार्ट होगी तो प्रैक्टिकल ही होगी। गाड़ियां चलाते हो, गाड़ियां कैसे चलती हैं, घुमाते हो तो कैसे घुमाना है, कौन सा टायर पहले घिसेगा, फ्रिक्शन किस पे ज्यादा होगी, कहाँ जोर पड़ेगा, कौन सा टायर टूट सकता है घूमते हुए, बिल्डिंग कैसे गिरेगी, ये सब प्रैक्टिकल चीजें, यही फिजिक्स है। तो ये फिजिक्स नहीं है, ये तो मैथमेटिकल टूल्स है। मैंने क्या बोला, फिजिक्स तो स्टार्ट ही नहीं हुई अभी, ठीक। एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग है, पंखा क्यों घूमता है, स्पीड तेज और ज्यादा या कम कैसे कर सकते हो, यहां तक हर चीज का आंसर है, ठीक। अब सरफेस टेंशन में मैंने क्या बोला, लिक्विड की प्रॉपर्टी है जो कि सरफेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मींस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने लिख दिया सरफेस टेंशन एक क्वांटिटी है, एक्चुअल में फिजिक्स में ये पूरा चैप्टर है, 3 लेक्चर, 1 हफ्ता लगेगा इसको समझने के लिए। जैसे यंग्स मॉडुलस लिख दिया, यंग्स मॉडुलस को समझने में 2 लेक्चर लगेंगे पूरे, वो है क्या इलास्टिसिटी, ऐसे ये टर्म्स नहीं है, ये पूरी फिजिक्स ए से लेके पूरी जनवरी तक जो भी काम चलेगा पूरे चैप्टर्स में से फॉर्मूलाज के चैप्टर के नाम ही है ये बेसिकली। ये इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज हैं। अब सरफेस टेंशन की अगर बात करें तो सरफेस टेंशन में बता दिया कि वो मिनिमाइज करता है, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। देखो ऐसा आपने कहाँ देखा होगा, 2 जगह। पहली जगह सपोज करो बारिश पड़ी या आप स्प्रे करते हो पानी, तो ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे गोल के होते हैं, स्फेयर होते हैं। क्यों भाई स्फेयर क्यों है, क्यूब क्यों नहीं बन जाते, कोई और सरफेस क्यों नहीं बनता, स्फेयर ही बनेंगे। और कोई बड़ा ड्रॉपलेट होगा वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर छोटा ड्रॉपलेट हमेशा स्फेयर ही बनेगा, ऐसा ही है ना। क्यों बनेगा, क्योंकि वो अपने एरिया को क्या करता है, मिनिमाइज, अंदर के मॉलिक्यूल खींचते हैं एक दूसरे को, मिनिमाइज। तो मिनिमाइज करने में क्या बनेगा, स्फेयर, हर तरफ से खींचेंगे सिमेट्री में, स्फेयर। दूसरा एग्जाम्पल आपका, जो आपने अगर देखा हो कहीं पानी खड़ा हुआ पानी है, ठीक, बहुत देर से मतलब हिल भी नहीं रहा, और वहाँ पर बहुत सारे मॉस्किटो मच्छर ही मच्छर उसके ऊपर बैठे हुए हैं, बहुत जगह दिख जाएगा आपको ऐसा, ठीक। मच्छर को तैरना आता है, तैर रहे नहीं, वो तो बैठा है, बैठ कैसे गया, वो तैरना उसे आता नहीं, पानी के ऊपर आराम से बैठे हुए हैं, कैसे, क्योंकि मेम्ब्रेन की तरह पानी काम कर रहा है, मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ चुके हैं, पास आने में मॉलिक्यूल के ऊपर पैर रख लेगा वो, और आप पानी को हिलाओगे ना अगर मच्छर डूब जाएगा, कहीं मर भी जाएंगे, तैरना तो आता नहीं मैंने बताया, उड़ सकते नहीं, उड़ नहीं पाए तो वो वहीं बैठ जाएंगे। तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है जो ये सब करवा रही है, और भी बहुत एप्लीकेशन है सरफेस टेंशन की, अभी डिटेल में जाना नहीं है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ।
तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, लेंथ का क्या एल, तो आंसर इज एम टी माइनस टू। तो इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन में काफी यूज होती है, एम टी माइनस टू याद हो ही जाएगा आपको। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। अब वैसे तो मैंने ये बोला था कि सरफेस एनर्जी में या किसी भी टाइप की एनर्जी हो, एनर्जी एनर्जी है एक्सेप्ट वन एनर्जी जिसका नाम है सरफेस एनर्जी। ये एम एल टू टी माइनस टू फॉलो नहीं करती। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क डन, वर्क डन अपॉन एरिया। क्यों होता है इसके डिस्कशन में नहीं जाएंगे, वर्क डन बाय एरिया। तो ये कहां काम आती है सरफेस एनर्जी बता देता हूं। आप सोप का बबल फुला रहे हैं, वो साबुन घोल के पानी में वो बच्चे बबल्स, ठीक है, तो आप एयर ब्लो कर रहे हैं, आप वर्क डन कर रहे हैं, आप अपने मुंह से वर्क डन कर रहे हैं हवा फेंकने में। तो मान लो रेडियस पहले जीरो था, बबल का रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गया, आपने वर्क डन किया, उसको मेजर कैसे करोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, इसमें लगेगा ही नहीं। सरफेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से उसको मेजर करते हैं, क्लियर है। तो ऐसी ऐसे एग्जांपल में सरफेस एनर्जी काम आएगी। तो इसके अंदर वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो एम एल टू टी माइनस टू, एरिया का क्या एल स्क्वायर, कैंसल, आंसर क्या एम टी माइनस, अरे सेम आ गया, एक के साथ एक फ्री। आप सरफेस टेंशन लो या सरफेस एनर्जी लो कोई फर्क नहीं, आंसर सेम। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कितने लिखा होगे और बस भी करो, याद भी तो करने हैं, क्योंकि जो लिखते जा रहे हो वो उसका टेस्ट भी ले लोगे, टेस्ट लोगे तो यार 5-7 होते तो बंदा याद भी कर लेता, खत्म ही नहीं हो रहा। और कितने नंबर भी देखो ना, 17-18 पे पहुंच चुके होंगे, 20 हो गए, तो ऐसे तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, फॉर्मूले थोड़ा खत्म होंगे, क्योंकि सारी प्लस वन लिखवा दोगे, लिखवा तो बहुत कुछ देंगे, पर अभी क्या है कि अभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हैं, दो पेज छोड़वा देंगे हाँ रजिस्टर में, एक ही दिन में कर लेंगे ना, तो स्ट्रेस हो जाएगा आपको कि यार ये क्या है ये, तो आधे अभी लिखेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कैसे आएंगे, फिर जैसे जैसे और फॉर्मूला यूज होते जाएंगे उस पेज को भरते जाएंगे। मान लो यूज हो गया प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, बीच में आपका प्लैंक आता ही नहीं फॉर्मूला, तो फिर ठीक है पहले फॉर्मूला लिखो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, फिर चलो क्वेश्चन करते हैं, और कैसे करेंगे यही करेंगे, क्योंकि पता नहीं कौन सा फॉर्मूला कब टक्कर जाएगा, अपने को क्या पता। तो वैसे तो मैं आपको ऑलमोस्ट लिखवा ही दूंगा दो पार्ट्स में, 40 के आसपास लिखवा दूंगा, 40 के आसपास नंबरिंग है इसकी, तो लेकिन फिर भी अगर कुछ नया आता है दो पेज छोड़ेंगे ताकि उसमें हम ऐड कर सकें। ठीक, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काफ़ी, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जिसका सिंबल क्या होता है बड़ा जी, छोटा जी नहीं, छोटा जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बड़ा जी। कोई फॉर्मूला बोलो जिसमें बड़ा जी यूज होता है, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, सुना हुआ फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले से जी का फॉर्मूला निकाल लो, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन इंटू एम टू, क्लियर है यहां तक। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू, आर का क्या है एल स्क्वायर, मास का क्या है एम, और दूसरे मास का क्या है एम, एम से एम कैंसल, एम रेज टू पावर माइनस वन, एल क्यूब टी माइनस टू, आंसर। अब आप मुझे को आपको याद है नहीं, बस अभी याद कर लूंगा, घर जाके भूल जाऊंगा पक्की बात है। तो फिर कैसे करोगे, फिर क्या करूंगा, रफ में लिखूंगा बनाऊंगा और क्या। अभी ऐसे ही करोगे, टेस्ट होएगा भूल भाल गए तो क्या करोगे, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो बात नहीं बनेगी। ठीक है यहां तक, तो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट भी क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के बाद नेक्स्ट इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, वैसे केमिस्ट्री की टर्म है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ये फिजिक्स में बाद में यूज होता है और केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, मुझे पता नहीं अभी आया कि नहीं आया। फॉर्मूला एनर्जी
इंटू टाइम, एनर्जी इंटू टाइम, तो एनर्जी का क्या है एम एल टू टी माइनस टू, इंटू टाइम का क्या है टी, तो क्या बना एम एल टी माइनस वन, एल एल स्क्वायर टी माइनस वन। केमिस्ट्री वाले बताएंगे, मैं आपको प्लस टू में बता पाऊंगा, प्लस वन में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वांटिटी तो सुनी होगी टॉर्क, टॉर्क तो फोर्स इनटू डिस्टेंस या रेडियस, ऐसे करते हैं ना, चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चाहे परपेंडिकुलर हो ना हो, है तो डिस्टेंस अपने को तो एल चाहिए, तो यहां पर फोर्स का क्या बनेगा एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस का एल मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा एम एल टू टी माइनस टू। देखा लगता है ये किसका था, एनर्जी का, एनर्जी का था, तो एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक वर्क डन और टॉर्क सेम होता है, पर एक प्रॉब्लम है, मैंने आपको रूल बताया था कि जिनके यूनिट सेम है जूल 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 उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा, टॉर्क बीच में कैसे आ गया, क्योंकि एनर्जी तो होती नहीं टॉर्क, टॉर्क टॉर्क है अलग चीज है और एनर्जी अलग चीज है। तो पहली चीज ये समझ लें कि डायमेंशनल फॉर्मूलाज की एक बड़ी प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेजेस में लिखवाऊंगा, पहली डिसएडवांटेज यही है कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला को देखते हुए क्वांटिटी पहचान नहीं सकते, कि मान लो अगर मैं बोलूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू है, बोलो कौन सी क्वांटिटी है, कोई बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी, कोई कहेगा काइनेटिक एनर्जी, कोई कहेगा वर्क डन, कोई कहेगा टॉर्क, ये इसकी प्रॉब्लम है, तो ये पहला डिसएडवांटेज है इसका। अब है तो है, मैच कर गया तो कर गया, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आज की असाइनमेंट मिली आपको, एक देना, एक असाइनमेंट देना, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, नहीं नहीं क्वांटिटी है प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट में याद रखना कि अगर किसी भी टर्म के पीछे ग्रेडियंट लग जाए उसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय लेंथ, सिंपल। तो जैसे प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, चेक करके बताना पड़ेगा आपको, मुझे याद नहीं है, नहीं नहीं एम एल एम एम टी माइनस टू, ठीक है यही है एम एल माइनस वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाय लेंथ का क्या है एल, तो क्या बना एम एल माइनस टू टी, फिर से आ गया यार एम एल टू टी माइनस टू, फिर सेम प्रॉब्लम। अच्छा भी है आपको हम इतनी क्वांटिटीज के सेम फॉर्मूले मिल रहे हैं, तो क्वांटिटीज का की लिस्ट बना लेना, एक ही याद कर लो, बाकी सब सेफ है, ठीक है यहाँ तक। अब सपोज मैं बोलूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ, तो क्या बनेगा एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाय एल, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाय एल, तो क्या आएगा टी की पावर माइनस वन। ठीक है यहां तक, दो पेज छोड़ दो आगे, जरूरत पड़ेगी तो इसमें एडिशन करेंगे, पड़ेगी जरूरत वैसे ऐसी बात और है नहीं, तो मेन मेन फॉर्मूला मैंने लिखवा दिए, एक फॉर्मूला लास्ट रह गया सच, अभी इस असाइनमेंट में यूज होगा, लास्ट लिखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और नेक्स्ट विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग, या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर विस्कस फोर्स,
ये दो क्वांटिटीज इकट्ठी जो है लिंक्ड है। कैसे? हम ना एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, विस्कोसिटी का पूरा चैप्टर है आपके कोर्स में, दो दिन लगेंगे इसको, दो लेक्चर। ये नाम विस्कोसिटी है, हाँ तो आप बताता हूँ ना, इसके चार नाम नहीं है, ये एक ही बात है, ये एक है, ये अलग है। देखो एक्सपेरिमेंट में सब यूज हो रहे हैं। कैसे? आप अगर स्काई डाइविंग को देखें, स्काई डाइविंग ऊपर लेके जाएंगे प्लेन में, जंप मारेंगे, तो उसका क्या फिनोमेना है? जैसे जंप करेंगे और पैराशूट नहीं खोलना भी, तो क्या है, आपकी वेलोसिटी पहले जीरो है, आप एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 से इंक्रीज करेंगे अपनी वेलोसिटी, इंक्रीज बहुत जबरदस्त इंक्रीज हो जाएगी। क्या नीचे अर्थ तक आते आते इंक्रीज ही होती रहेगी? नहीं, इंक्रीज, उसके बाद बहुत देर के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे उतरेंगे, नीचे गिरेंगे। अगर दूसरा एग्जांपल लें, आप लोहे की बॉल लें और ओशन के उसके सरफेस के ऊपर छोड़ दें, तो लोहे की बॉल पहले रेस्ट पे आप छोड़ दें, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज, थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर समुद्र के नीचे जो ग्राउंड आएगा कांस्टेंट वेलोसिटी नीचे उतरेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब भी एक लोहे की बॉल्स, जिस स्फेयर, स्फेयर ही होगी ये, जब ये किसी लिक्विड में गिरी जाएगी, तो लिक्विड इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगाएगा, क्योंकि वो लिक्विड की फ्रिक्शन, सॉलिड की फ्रिक्शन अलग होती है, ये लिक्विड की फ्रिक्शन है, तो जिससे कि इसकी स्पीड स्लो होगी। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी होती है कि आपका लिक्विड, ये एक नंबर है या एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की, ऐसा बोलेंगे, एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की, कि कोई भी लिक्विड जब फ्लो करता है तो रिजिस्ट करता है, फ्लो करने के लिए उसका मन नहीं करता, ऐसे बोलो कि मतलब कि नहीं मैं करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लिक्विड करना चाहते हैं, अंदर की फ्रिक्शनल फोर्सेस कईयों में ज्यादा और कईयों में कम है, मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल ही लिक्विड के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखते हैं। कैसे? दो लोगों ने हाथ पकड़ लिया, दोनों इकट्ठे भाग रहे हैं, इजीली भागेंगे, एक भागने को तैयार नहीं है, दूसरा कहता चल भाग, क्या होगी, फ्रिक्शन। पॉइंट, शहद में ये फ्रिक्शन जबरदस्त है, आप ऊपर के मॉलिक्यूल को धक्का भी मार लेंगे ना, तो नीचे के मॉलिक्यूल हिलने को तैयार नहीं है, शहद की पूरी पाइप बिछा दो, तैयार ही नहीं है, आप जितनी भी जोर लगाते रहो वहीं बैठे हैं, चिपके हुए एक दूसरे से, हम नहीं मूव करेंगे। विस्कस है, बहुत गाढ़ा लिक्विड है, विस्कस है, पानी नॉन विस्कस लिक्विड है, आप जहां मर्जी प्रेशर बना दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप विस्कस लिक्विड में प्रेशर डेवलप नहीं कर सकते, मशीन ही नहीं चलेगी, कैसे चलेगी, चलने को तैयार ही नहीं है। तो विस्कस लिक्विड थिक लिक्विड है, पतले लिक्विड नॉन विस्कस लिक्विड है, और इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी बोलते हैं। तो इसमें जब ये स्फीयर किसी लिक्विड में आएगा, तो उस केस में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल भी सुन लो, ईटा, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ईटा, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये नीचे गिरेगा विद सम वेलोसिटी, तो क्या होगा, तो इस केस में लिक्विड इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स या विस्कस ट्रैक, एक ही बात है। हाँ, अपथर्स भी लगता है इसमें, अपथर्स पर हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हमने कुछ और पढ़ना है। तो जो फ्रिक्शन की फोर्स है लिक्विड की, उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं बोलते लिक्विड की, सॉलिड की फ्रिक्शन को फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, लिक्विड की फ्रिक्शन को फ्रिक्शन फोर्स नहीं बोलते, उसको बोलते हैं विस्कस ट्रैक, विस्कस फोर्स या विस्कस ट्रैक। लिक्विड में ये फ्रिक्शन को विस्कस ट्रैक बोलते हैं कि ड्रैग बहुत ज्यादा है, विस्कस ड्रैग बहुत ज्यादा है, ठीक, समझाने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखा मैंने, वैसे विस्कस ड्रैग होता है। तो विस्कस ड्रैग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स, वन एंड दी सेम थिंग। तो इसका फॉर्मूला तो क्लियर ही है, MLT-2, बात ही खत्म होगी, तो फोर्स का ही फॉर्मूला फॉलो करेगा, फोर्स ऑफ फोर्स है, ऑलरेडी डन। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, जब ये लिक्विड के अंदर स्फीयर नीचे गिर रहा है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है, ये हम डराइव करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 6 pi eta into radius into velocity, ये फॉर्मूला नोट करें, 6 pi eta rv, ये फॉर्मूला नोट करें कि जो स्फीयर है उसके ऊपर फ्रिक्शन इतनी लगेगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो इसके ऊपर लगेगी। तो इसके अंदर ईटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ डिवाइडेड बाई 6 pi r into velocity। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, MLT-2, 6 pi का तो कुछ है ही नहीं, रेडियस का एल, वेलोसिटी का LT-1, एल से एल
कैंसल, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, बिना सॉल्व के लिख रहा हूं क्योंकि बहुत बार यूज होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी एम एल माइनस वन टी माइनस वन आएगा। ठीक, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है याद करना, जरूरत ही नहीं है यार, यही याद कर लो फिर और क्या बोलूँ, जैसे मैं इस चक्कर में पढ़ता ही नहीं, ये यूज ही 100 बार होना है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, बात ही खत्म होगी। किसी ये नहीं पूछना कि फॉर्मूला लिख के प्रूव करके दिखाओ, हर किसी को एंड रिजल्ट चाहिए। मेरी तरफ से पूरा चार्ट याद कर लो एम एल टी का, फॉर्मूला मत याद करो, कोई टेंशन नहीं, आपसे कोई नहीं पूछ रहा फॉर्मूला क्या है, बस एंड में लिखना आना चाहिए एम एल माइनस वन टी माइनस वन। वो तो आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर में थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, अदरवाइज तो क्या है फॉर्मूला से तुम्हें। ठीक है, अब दो पेज छोड़ दिया आपने, अब हम एक काम करेंगे इसके अंदर, अब हम ये देखते हैं विस्कस ड्रैग और फोर्स एक ही बात है, ये रहा फोर्स है, ये लिखना, ये अलग है, ये अलग ऐसे है। हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज एम एल टी कर तो रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं ये मैं बताने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, यूनिट से काम तो चल ही रहा था पर हमें एम एल टी क्या है, एम एल माइनस वन टी क्या करेंगे इसका, तो इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो आप लिखें एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इट हेल्प्स टू फाइंड रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी हेडिंग डालो, मैं समझाता हूं एग्जैक्टली ये है क्या चीज। इट हेल्प्स टू फाइंड रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, इसकी पहली एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं कि इसके ये एक्चुअल में निकाला क्यों गया सिस्टम। तो इसके लिए सबसे पहले सपोज करो एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था। साइंटिस्ट क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि एक पत्थर को घुमा रहा है, एम पार्टिकल को, इन रेडियस आर सर्कल में घुमा रहा है और वी वेलोसिटी के साथ। ठीक है, और घुमाने के लिए उसको क्या लगानी पड़ रही है, फोर्स। फोर्स लगाएगा तभी घूमेगा पत्थर, नहीं तो क्यों घूमेगा सर्कल में। अब सोचने वाली बात यह है कि वो निकालना चाहता है फोर्स का फॉर्मूला। उसको यह पता है कि अगर वो पत्थर का साइज छोटा बड़ा करता है तो फोर्स ज्यादा कम लगानी पड़ती है। उसको यह पता है कि अगर वो तेज घुमाता है, वेलोसिटी तेज और वेलोसिटी स्लो, तो फोर्स कम ज्यादा लगानी पड़ती है। और अगर बड़ा चक्कर काटता है या छोटा काटता है तो फोर्स कम ज्यादा हो जाती है। तो उसको यह पता लग गया कि फोर्स इन तीन वैल्यूज पर डिपेंडेंट है और वो इस फोर्स का फॉर्मूला बनाना चाहता है, जैसे न्यूटन ने बनाया था। क्या बनाया था, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। बट इसने आर स्क्वायर क्यों किया, आर क्यूब क्यों नहीं किया, आर स्क्वायर को नीचे को रखा, ऊपर क्यों नहीं रखा, एम वन की पावर वन क्यों नहीं है, वन क्यों है, टू या थ्री क्यों नहीं है। ऐसे कैसे फॉर्मूले तैयार हो गए कि हर क्वांटिटी की पावर कुछ तो डिसाइड करके रखी होगी ना, टू होगी या थ्री होगी। तो ये काम पावर्स क्या होंगी, ये काम डायमेंशनल एनालिसिस करके दिखाएगा आपको। तो मैं आपको अब लाइव फॉर्मूला बना के दिखाता हूं कि साइंटिस्ट लोग फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए जैसे सपोज करो ये साइंटिस्ट को ये पता लग गया कि उसकी जो फोर्स है जो वो अप्लाई कर रहा है वो डिपेंड करती है मास पे, डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, डिपेंड करती है रेडियस पे। उसको ये नहीं पता लग रहा कि वेलोसिटी की पावर क्या होगी, वेलोसिटी स्क्वायर पे डिपेंड करती है कि वेलोसिटी इस पे वन पे डिपेंड करती है, या रेडियस स्क्वायर होगा क्यूब होगा या मास स्क्वायर होगा क्यूब होगा, कुछ नहीं पता। तो उसने डिसाइड किया कि लेट अस सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। वो कहता है ठीक है इसकी पावर मुझे पता नहीं ए बी सी, तो अगर आप इन्हें कंबाइन करें तो m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, ऐसा कर दें। और अगर मैं यहां पर प्रोपोर्शनल की जगह cos इक्वल टू लगाऊं
तो यहां पर क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है, फॉर्मूला बनने को तैयार है? अगर मैं आपको क्या बता दूं, एबीसी की वैल्यूज, ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर पहले देखते जाओ, बाद में नोट कर लेना अभी। तो सपोज करो इसके अंदर कोई भी एक ऐसा रिलेशन लेता हूं जैसे जो आपको आता हो, जैसे s इज इक्वल टू vt सुना हुआ है। इस रिलेशन में s क्या है, लेंथ, वेलोसिटी क्या है, lt माइनस वन, और टाइम क्या है, t। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, l, क्योंकि s इज इक्वल टू vt का रिलेशन करेक्ट है। तो एक प्रिंसिपल है जिसको होमोजेनिटी का प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो ये कहते हैं कि अगर ये रिलेशन करेक्ट है तो लेफ्ट क्वांटिटी और राइट क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम, लेफ्ट और राइट का सेम आएगा। यानी कि जो पावर एल की लेफ्ट में होगी वही पावर एल की राइट में होगी। और हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये फॉर्मूला सही बने। और अगर ये फॉर्मूला सही बनाना चाहते हो तो एक काम करो, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू, कॉन्स्टेंट का कुछ नहीं वन है, मास का m रेज टू पावर a, वेलोसिटी का lt टी माइनस वन रेज टू पावर b, r का लेंथ रेज टू पावर c, पुट कर दिया। पुट करने के बाद m l t माइनस टू, ओपन करो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर माइनस b, l की पावर c, m l t माइनस टू इज इक्वल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर ऐड होगी, टी की पावर माइनस बी। क्लियर है यहां तक? और लास्ट, क्योंकि आप ये रिजल्ट सही बनाना चाहते हो तो जो पावर एम की लेफ्ट में होगी राइट में भी वही होगी, तो बोलो वन इज इक्वल टू क्या करें, ए, इसकी पावर को इक्वेट कर दे, नेक्स्ट एल की पावर एल के साथ, तो वन इज इक्वल टू कितना, बी प्लस सी, और लास्ट टी की पावर टी के साथ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, टू। यहां टू पुट करोगे सी कितना आएगा, माइनस वन, तो आपने क्या निकाल लिया, एबीसी, एबीसी आ गया। इस एबीसी को आप यहां पे पुट करें तो एफ इज सम कांस्टेंट इनटू एम की पावर कितनी है, वन, वी की पावर कितनी है, टू, और आर की पावर कितनी है, माइनस वन। तो फॉर्मूला पता है क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय r। फॉर्मूला तैयार हो गया, लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम है, यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट भी तो लगेगा ना, तो यहां पर आएगा f इज सम कांस्टेंट इनटू एम वी स्क्वायर बाय r। आप कहेंगे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, डायमेंशनल एनालिसिस की सेकेंड डिसएडवांटेज है कि ये फॉर्मूला तो बना देता है पर कांस्टेंट नहीं बता सकता, तो कांस्टेंट को के या कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते इसका। बट आपको आइडिया समझ में आया कि डायमेंशन एनालिसिस ने कैसे ये पावर्स को सेट करके आंसर निकाला। आप इसे नोट करो, एक और क्वेश्चन करते हैं अभी, आप इसे नोट कर लो मेथड, फिर मैं आपको बताता हूँ कि करना कैसे है। 50 बार करेंगे ये दो लेक्चर में, 50 बार ये स्टेप ऐसे, मतलब सारे डायमेंशन के तो फॉर्मूले याद ही हो जाएंगे आपको, तो टेक्निक भी याद हो जाएगी नेक्स्ट टाइम। एनालिसिस में से एक क्वेश्चन गारंटेड नीट में आएगा, ये स्कोरिंग है बहुत ज्यादा चैप्टर, इसमें करने ही कुछ नहीं, फॉर्मूले अगर पुट्टी तो करने हैं, एक क्वेश्चन मेन में आएगा, और आपके स्कूल लेवल के अंदर तो ये 5-7 नंबर का ही ना आ जाए कहीं जाते ही पेपर में। ओपनिंग इसी ने करनी है, यूनिफॉर्म डायमेंशन बता दूं मैं आपको, खूब सारा आएगा यूनिफॉर्म डायमेंशन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से 5 की चॉइस है मेंस में,
नीट में 50 में से 45 करने हैं, 5 की चॉइस है, और 25 क्वेश्चन करने हैं मेन वालों को, एक यूनिट्स ले गया तो क्या 24 रह गया, और क्या है 17-18 टोटल ठीक हो गए तो 99% आ जाएगा। सर हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? लिख लिया। आपको असाइनमेंट दी है मैंने, उसका बस पहला क्वेश्चन करना है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे। आज होमवर्क कोई नहीं है, इस चैप्टर को रिवाइज ही करना है, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन अभी आप कर नहीं पाएंगे। पहले एक शीट मैं करूँगा, एक शीट फिर आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है? तो आप, मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी कॉन्फिडेंस लो हो जाए, तो मैं पहले करवाऊंगा एक पूरी शीट, उसके बाद आप करना। लेकिन एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि जो ऑनलाइन वाले हैं वो पीडीएफ मंगवा लेंगे अभी, जिसमें कि ये मेंशनड है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। लार्ज फ्लूइड स्टार ऑसिलेट्स इन शेप अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड। सुनते ही ऐसा लग रहा है ये नहीं होगा, ये हुआ क्या पता नहीं। भाई एक बात बताऊं, कि मुझे भी पता नहीं क्या हुआ। पहली लाइन, कौन सा साइंटिस्ट किस स्टार पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जहां मर्जी यार एक्सपेरिमेंट करे, उसका एक्सपेरिमेंट समझने की कोशिश मत करना इसमें, क्योंकि ये चैप्टर ये नहीं सिखा रहा कि उस साइंटिस्ट का काम क्या है। ये चैप्टर सिर्फ ये सिखा रहा है भाई, उस साइंटिस्ट का काम सुन के बस फॉर्मूला तैयार कर दो। अगली लाइन देखो, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। हाँ, अब समझ में आया वो क्या चाहता है। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी। तो किसका एक्सप्रेशन निकालना चाहता है, टी का। इन टर्म्स ऑफ का मतलब रेडियस रेज टू पावर सपोज ए, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी मीन डेंसिटी, डेंसिटी ए की बात है, लेट अस सपोज रेज टू पावर पी, पावर तो निकालनी है, और लास्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो वो कह रहा है कि इसमें टाइम पीरियड इन फैक्टर्स पे क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है? पर उसे ये नहीं पता लग रहा कि इसकी पावर्स क्या है, और पहली लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो अगर एक्सपेरिमेंट नहीं समझ में आ रहा, चाहिए भी नहीं, बस ये देखना होता है कि कौन किस पे डिपेंडेंट है, सिंपल है। क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर ये पहला स्टेप सबको क्लियर है ना, तो इसके अंदर टी इज प्रपोर्शनल टू आर की पावर ए, रो की पावर बी, जी की पावर सी। टी इज सम कांस्टेंट इनटू आर की पावर ए, रो की पावर बी, जी की पावर सी। तो अब हमारा काम क्या है, ए बी सी को निकालना, ठीक है? यहां तक क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, हर क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे। तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, टी जो टाइम है लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, टी। राइट हैंड साइड रेडियस क्या है, लेंथ। लेंथ रो फॉर डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एम एल माइनस थ्री, और लास्ट क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये मुझे याद नहीं है, शायद मैं ठीक बोल रहा हूं, एम की पावर -1, एल की पावर 3, चेक करना 3, टी की पावर -2। अभी याद किया है आपको, मतलब दो लेक्चर में, वैसे हो सकता है नेक्स्ट टाइम तक फिर भूल भी जाऊं, ठीक? लेकिन आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको कम से कम 10-15 बार यूज करना पड़ेगा होमवर्क में, तो आपको अच्छा याद हो जाएगा। याद करके रखना, मैं आपसे पूछता रहूंगा, ठीक? तो पॉइंट समझ में आया, यहां तक पुट कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मास नहीं है,
अगर मास नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, m की पावर जीरो, लेंथ नहीं है जीरो, t है वन। ओपन करते हैं, l की पावर a, m की पावर b, l की पावर माइनस थ्री बी, एम की पावर माइनस सी, एल की पावर थ्री सी, टी की पावर माइनस टू सी। एम जीरो, एल जीरो, टी वन, एम की पावर बी माइनस सी, एम वाली टर्म मल्टीप्लाई और इनकी पावर ऐड कर दो, एल की पावर ए माइनस थ्री बी प्लस थ्री सी, टी की पावर माइनस टू सी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? वैसे ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, मैं आगे से ना ऐसे करूंगा सीधा ही। ये देखो, m की पावर b माइनस सी एक ही बारी में, है ना, यहां से क्या आएगा b, यहां से क्या आएगा माइनस सी, l की पावर क्या आएगा a, यहां से माइनस थ्री बी, यहां से थ्री सी, t की पावर सीधा माइनस, मर्जी है आपने लिखना है लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रैक्टिस होने के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां तक पावर्स कंपेयर कर लें तो m की पावर m के साथ तो 0 इज इक्वल टू b माइनस सी फर्स्ट इक्वेशन, l की पावर l के साथ तो 0 इज इक्वल टू a माइनस थ्री बी प्लस थ्री सी इक्वेशन नंबर टू, t की पावर t के साथ 1 इज इक्वल टू माइनस टू सी, तो c की वैल्यू क्या आएगी माइनस हाफ, c माइनस हाफ को यहां पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस हाफ, B और C को इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे तो A की वैल्यू क्या आएगी जीरो। आपको आपको इतनी जल्दी सॉल्व, लास्ट बैच ने सॉल्व किया तो ये लीनियर इक्वेशंस की प्रॉब्लम है, आपको तीन मैथ्स में किया नहीं लीनियर इक्वेशंस, ये वही तो है, तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, इसको सॉल्व करके तीन वैल्यूज आएंगी। ठीक है, मुझे पिछले बैच से आंसर याद था, पिछले बैच में मैंने निकाला है, निकाला भी कैसे, निकली गया, ए और बी तो निकली गए, बी और सी तो निकल ही गए, बी और सी को यहां पुट करके तो ए आ जाएगा, कर लोगे ये सॉल्व। ठीक है, यहां तक तो लास्ट में क्या करना होता है, ए बी सी को वापस इसमें, टी इज सम कांस्टेंट इनटू आर की पावर जीरो डेंसिटी और जी की पावर माइनस हाफ और माइनस हाफ, चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, कांस्टेंट इनटू आर की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन अंडर रूट ऑफ रो जी, दिस इज द फाइनल आंसर। ये लिख दो कोई फर्क नहीं, दोनों सेम है। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व होनी है, तो अगली बार मैं और प्रैक्टिस करवाऊंगा, दो तीन क्वेश्चन और करेंगे, फिर आप करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम पूरी शीट करने के बाद नेक्स्ट शीट का होमवर्क होगा, पहले प्रॉपर आप ही करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करूंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब आपका होमवर्क होगा।